1947 का 15 अगस्त, आपको याद है वह दिन? बहुत याद है साहब वो दिन। वो याद इस तरह से है कि मैं लाहौर से तो निकला था 2 अगस्त को। 2 अगस्त को बताना तो बुरा लगता है, मगर बात यह है कि उस वक्त 1 अगस्त को मेरे घर पे अटैक हुआ था। 500-700 आदमी आकर के मॉब आया था, और वो अटैक पता नहीं, हम तो बच नहीं सकते, बच्चों को लेकर के मेरी वाइफ नंगे पांव गले अपने भाग गई। मोहल्ले में मकान था, मेन रोड था हमारा, बच गए। पुलिस आ गई टाइम पे और वो लोग भाग गए। फायरिंग हुई। नेक्स्ट डे मैं छोड़ दिया लाहौर। 15 अगस्त के रोज मैं बॉम्बे में था, 15 अगस्त 1947। मगर मेरी हिम्मत नहीं पड़ी जाने के लिए कि मैं जाके कि जब ये फ्लैग हॉस्टिंग सेरेमनी होगी मैं जाके देखूं, क्योंकि मेरे दिल में दुख था। और मैं घर में आया जब 15 अगस्त के बाद, कुछ दिन के बाद पता लगा कि मेरा पंजाब तो जल रहा है, वहाँ तो बुरी हालत है। लोग यहाँ से शरणार्थी जा रहे थे और वहाँ से पास करते गाड़ियों कटी हुई आदमियों की जा रही थी, तो बहुत दुख हुआ। 1914 में पंजाब के लुधियाना शहर में जन्मे बी आर चोपड़ा की शिक्षा दीक्षा लाहौर विश्वविद्यालय में हुई। यहीं से उनका फिल्मी सफर भी शुरू हुआ। पंचोली ग्रुप के साथ कुछ समय तक काम करने के बाद उन्होंने फिल्म पत्रकारिता शुरू की। लाहौर से निकलने वाले सिने हेरल्ड में उन्होंने 1937 से 1947 तक संपादन कार्य किया। बंटवारे के बाद वे दिल्ली चले आए और लिस्नर में सहायक संपादक हो गए। कुछ समय तक कहानियां और फिक्शन लिखने के बाद अंततः उन्होंने 1949 में फिल्म जगत में प्रवेश किया। मैं इस देश के बारे में बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूं। मैं हमेशा आई लव माई कंट्री, आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री। अब इमेजिन करिए कि मैंने इतनी पिक्चरें बनाई, 50 साल से फिल्में बना रहा हूं, मुझे देश इतना खूबसूरत लगता है, मैं एक बार भी बाहर नहीं गया किसी देश में और में जाके फिल्म बनाने के लिए। और जब बाहर जाता हूं तो हमेशा ये लिखता हूं लोगों के, व्हेन आई कम आउट ऑफ इंडिया आई फॉल इन लव विद इंडिया, क्योंकि हिंदुस्तान से मेरा बहुत प्यार है, बहुत कुछ दिया है। जो मैं समझता हूं कि जो इस देश में मिल सकता है, देखिए ना, मैं क्या था, मामूली आदमी, एक जर्नलिस्ट स्ट्रगल करते करते प्रोड्यूसर बन गया, तो इसका मतलब देश बहुत अच्छा। बी आर चोपड़ा आज हिंदी सिनेमा के उन रचनाकारों में माने जाते हैं जिन्होंने सिनेमा के माध्यम से न केवल सामाजिक दायित्वों का निर्वाह किया बल्कि सिनेमा प्रेमियों को स्वस्थ मनोरंजन भी दिया।